हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं बल्फिस्क ब्रांड के इस डिजिटल वेइंग मीटर का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। अब दोस्तों, ये जो है बल्फिस्क ब्रांड, इसके कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, किचन प्रोडक्ट्स भी आते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स भी आते हैं, तो उनकी आप वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। वेबसाइट ये लिंक है। वैसे तो इसे मैंने अमेजन से परचेज़ किया है, तो उसका भी बाइंग लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं डायरेक्ट। बाकी इनकी वेबसाइट से भी डायरेक्ट खरीद सकते हैं, वरना इनके अमेजन पे भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, इनके जो भी इनकी वेबसाइट पे लिस्टेड हैं, तो सारे अमेजन से भी आप बाय कर सकते हैं। और फिलहाल इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो ये जो है हमारा डिजिटल वेइंग मीटर है बल्फिस्क की तरफ से, और क्योंकि ये ब्रांडेड वेइंग स्केल है, तो इसलिए मैंने इसको परचेज करा। इसकी डिटेल्स वगैरह मुझे सही लगी, और अपनी डिटेल्स के हिसाब से कितना एक्यूरेट है वो अभी हम आगे वीडियो में टेस्ट करके देखेंगे इसे। तो मैंने इसलिए इसे अमेजन से परचेज कर लिया, और ये थोड़ा मतलब मेटलिक बिल्ड में भी था, और इसमें लिखा हुआ था कि एक्यूरेट सेंसर्स वगैरह हैं इसके अंदर, एक्यूरेसी मिलेगी आपको वेट करने में चीज़ों का, तो मुझे एक्यूरेसी के लिए भी चाहिए था। और इसके ऊपर जो दोस्तों वारंटी आती है 2 साल की आती है। तो चलिए, क्या क्या है इसके अंदर, क्या है ओवरऑल इसके फीचर्स वगैरह, करते हैं इसको फटाफट से अनबॉक्स और टेस्ट करते हैं कि कैसा है ये वेइंग स्केल। सो गाइस, ये है इसका बॉक्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो टॉप पे ये इसके इमेजेस वगैरह दी हुई हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वारंटी 2 ईयर्स। तो वारंटी इसके ऊपर जो है 1 ईयर की तो नॉर्मली आती है, और 1 ईयर की जैसे कि आप बैक पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने 1 विदिन 7 डेज ऑफ रिसीविंग द प्रोडक्ट। अगर आप इसे इनकी वेबसाइट पे रजिस्टर कर देते हैं तो 1 साल की और एक्सटेंडेड वारंटी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से 2 साल की वारंटी हमें इस वेइंग स्केल के ऊपर मिलती है। बाकी बैक पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके सारे फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं। LCD डिस्प्ले मिलता है इसमें, स्टेनलेस स्टील का इसमें बेस मिलता है, ऑटो ऑफ फीचर है, अपने आप ऑफ होएगा, यूज़ में नहीं होगा, लो बैटरी इंडिकेशन भी मिलता है इसके अंदर, ओवरलोडिंग इंडिकेशन मिल जाता है, लार्ज रेंज मतलब अप टू 5 kg तक इसके अंदर आप वेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, मतलब कोई भी 5 kg का प्रोडक्ट हो, 5 kg की चीज़ इसमें आप आराम से वेट कर सकते हैं मैक्सिमम। हाई एक्यूरेसी 4 सेंसर, तो एक्यूरेसी इसमें हाई मिल जाती है हमें, 4 सेंसर मिलते हैं हमें 4 कोनों पे, तो उससे एक्यूरेसी अच्छी हो आती है इसके अंदर। और मैंने टेस्ट भी किया था इसे, तो काफ़ी अच्छी आई थी, अभी हम करके भी दिखाएंगे आपको इसके अंदर वेट। 2 AAA बैटरी भी मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। साथ में हमें 2 AAA इन द बॉक्स हमें बैटरी मिलेंगी। यूनिट कन्वर्जन हमें अलग अलग मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे केजी में, ग्राम्स में, LB में, OZ में और ML में। और टेयर फंक्शन भी मिलता है। टेयर फंक्शन क्या होता है, जो हमारा एक किसी लाइक हमने एक ग्लास रखा और उसका वेट अलग होता है, और उसमें हमने कुछ डाला तो उसका वेट अलग होता है, तो उसका वेट ये माइनस कर देगा जो कोई बाउल है या कोई ग्लास है, और उसके अंदर जो भी आप प्रोडक्ट डालेंगे लिक्विड या जो भी प्रोडक्ट, तो उसका वेट खाली दिखाएगा। तो ये टेयर फंक्शन है जो हम दिखाएंगे आपको। मिल्क वाटर मेजरमेंट यानी ML वगैरह जैसे दिए हुआ है यहाँ पे, तो ये सब इसमें हम कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसके मैं बॉक्स से निकालता हूँ इसको अब। तो कुछ ये इस तरीके से आता है बॉक्स में, और तो कुछ भी नहीं है इसके बॉक्स में, खाली है ये बिल्कुल ये। तो एक हमें सबसे पहले ये मिलती है रखी हुई ऐसी ऊपर यूज़र मैनुअल, जिसमें डिफरेंट यूनिट्स कैसे आते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें शो करा हुआ है इन्होंने। बाकी ये इसके अंदर कैसे आते हैं ML और मिल्क वगैरह का, वो इस तरह से दिखा रखा कैसे दिया है। और चेंज यूनिट टू ML फॉर वाटर एंड मिल्क, ML फॉर मिल्क, तो इस तरह से दिए हुआ है, सब चेंज कर सकते हैं। और ये तो ये सारे फीचर दिए हुए हैं। ओवरलोडिंग ये कुछ इस तरह से शो करेगा, लो बैटरी इंडिकेशन ये इस तरह से शो करेगा, तो ये सारे इन्होंने इसके अंदर फीचर्स दे रखे हैं क्या चीज़ आपको कैसे करनी है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केयर के है, जब भी आप वेट करें तो इसमें दी हुआ है इन्होंने, एकदम फ्लैट सरफेस पे रखें, ऊंचा नीचे सरफेस नहीं होना चाहिए, उससे वेट जो है एक्यूरेट नहीं आएगा। एकदम फ्लैट सरफेस हो, फ्लैट टेबल हो आपकी, फ्लैट जो भी है ज़मीन हो या टेबल जहाँ पे भी रखा है, फ्लैट सरफेस पे आपको रख के वेट मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे भी इन्होंने टेयर मेजरमेंट का दिया हुआ है, शुरू में भी दिया हुआ था कि टेयर मेजरमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है टेयर कैसे करना है। पावर ऑन करिए, अपना खाली कंटेनर इसके ऊपर रखिए आप, उसके बाद टेयर बटन को दबा दिए, तो उसका वेट जो होगा खाली कंटेनर का वो ये माइनस कर देगा, उसके बाद उसके अंदर आप कुछ भी डाल दिए तो सिर्फ उस प्रोडक्ट का वेट शो होगा जैसे कि इसमें शो करा हुआ है इन्होंने। इसके बाद दोस्तों ये है हमारा वेइंग स्केल, इसको हम रख देते हैं। हाँ, यहाँ पे इन्होंने बैटरियाँ दी हुई हैं बीच में इस तरह से लगी हुई, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं, जाहिर सी बात है ऑन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो ये कोई एंड पावर कोई ऐसे ही हमें चाइनीज़ बैटरी वगैरह लग रही है, कोई ब्रांडेड बैटरी नहीं है। एंड पावर आई थिंक सो इट इज़ बेसिकली चाइनीज़ आई थिंक, 3AA बैटरीज दो हमें मिल रही हैं। उसके बाद ये आता है हमारा वेइंग स्केल इस तरह से। दोस्तों मैंने इसे खोल के निकाला था, टेस्ट किया था, तो ये जो आपको शाइनी दिख रही है इसके ऊपर एक प्लास्टिक की जो है ये पॉलीथीन चिपकी हुई है,
जिसे हम निकाल सकते हैं। तो ये पूरी तरह चिपकी थी, मैंने निकाल दी थी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सेफ़ रहेगा तो मैंने इसको दोबारा से लगा दिया था। तो थोड़ा सा ये आपको निशान दिख रहे हैं, बबलिशपन आ गए हैं, थोड़े बबल से या निशान जो आ जाते हैं आप किसी पॉलीथीन को जो स्टिकी वाली होती है निकाल के अगर लगाएं दोबारा से। और फिर मैंने इसको कटिंग कर दी थी साइड से, वरना एजेस थोड़ी निकली रहती हैं, तो मैंने कहा इसी के शेप में आ जाए, तो इसलिए मैंने इसे कट करके ऐसे दोबारा पेस्ट कर दिया था इसके ऊपर नॉर्मली। तो इसलिए आपको ये बबल वगैरह थोड़े दिख रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह की ऐसे आता है टॉप, ये पूरा सिल्वर फिनिशिंग मिलती है और बैक से ऐसा मिलता है, ये रबराइज्ड हमें पैडिंग मिल जाती है यहाँ पे चारों तरफ इसके चारों कोनों पे, और यहाँ पे बीच में सेंटर में हमें जो है सेल लगाने का ऑप्शन मिलता है। तो चलिए इसके ये सेल इसमें हम लगा देते हैं। तो इसके सेल जो है हमने लगा दिए हैं इसके अंदर। ऑन करने से पहले ये भी दिखा दूँ, यहाँ पे इन्होंने देख सकते हैं आप करीब से दिख रहा होगा आपको बल्फिस लिखा हुआ है, यहाँ पे लोगो दिया हुआ है बल्फिस ने अपनी ब्रांडिंग का, और यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है और उसी के ऊपर टेयर बटन है। तो यही ऑन ऑफ बटन है, यही टेयर बटन है, और यहाँ पे यूनिट के लिए है जिसमें आप यूनिट वगैरह अपने चेंज कर सकते हैं। तो ये दो हमें फिजिकल बटन्स मिलते हैं क्लिक, और बीच में उसके हमारा LCD मिलता है। तो मैंने इसको क्लिक किया तो ये आपने देखा ऑन हो गया, लाइट इसमें जल रही है, LCD डिस्प्ले दिया हुआ गया है। और नीचे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा हो फुली, मैक्सिमम 5000 ग्राम, 5 kg मैक्सिमम इसमें हम वेट कर सकते हैं। तो इसको एकदम मेरी फ्लैट टेबल है, इसके ऊपर मैंने रख दिया है। अभी ये अभी क्या दिखाने लगा, कुछ ये दिखा रहा है। अभी दोबारा से ऑफ़ करता हूँ, उसमें लॉन्ग प्रेस करके ऑफ होता है इस तरह से, और अब ये ऑन हो जाएगा। तो ये सिंगल क्लिक पे ऑन हो जाता है, और थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है इसे हमें ऑफ़ करने के लिए इस तरह से, और ऑन करने के लिए एक सिंगल क्लिक पे ये ऑन हो जाता है इस तरह से। तो अभी आप देखिए, आप ये ज़ीरो दिखा रहा है इस वक्त, तो उस पर मैं कोई चीज़ रखता हूँ, हम अपना ये प्लांट को जो है वेट करते हैं सेंटर में रखेंगे। तो इसका ये वेट दिखा रहा है 191 ग्राम्स, ये आर्टिफिशियल हमारा वेट ग्रास प्लांट जो है। इस पर मैं हल्का सा ज़ोर देता हूँ, देखिए हल्का ज़ोर देने भी वेट बढ़ रहा है, हटा दिया मैंने तो वही आ गया है 191 ग्राम्स फिर से। तो वेट एकदम सही दिखा रहा है बिल्कुल। तो अब मैं आपको जो है टेयर फंक्शन भी करके दिखाता हूँ, उसमें टेयर फंक्शन कैसे काम करता है। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ यूनिट्स वगैरह जो रहते हैं। यूनिट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया, मैंने इसको क्लिक किया यूनिट को, केजीज़ में आ गया है, यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद ये आ गया LBs में, उसके बाद ये आ गया OZ के अंदर, उसके बाद ये आ गया ML में, और ये आ गया दोबारा किया तो मिल्क, लास्ट में मिल्क का ML आ गया यहाँ पे, और फिर वापस ही हमारा ग्राम में आ गया यहाँ पे। तो मैंने एक्चुअली ये उठाया हुआ था तो इसलिए माइनस माइनस उल्टा सीधा दिखाने लगा, क्योंकि सेंसिंग जो है हमारी इसकी यहीं से होती है, इसमें चार सेंसर ये इसी में ही दिए हुए हैं, इसकी जो चार पैडिंग्स हैं। तो अभी इसे मैंने जो है केजी में कर दिया है, तो इसको आप केजी में करिए, अब हम इसमें वेट करके देखेंगे टेयर फंक्शन का, टेयर फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले आया हूँ एक ग्लास ये, और ये मेरे पास जूस। तो अब मैं टेयर फंक्शन करके दिखाऊँगा कि किस तरह से टेयर करता है। तो अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल 0-0 है डिजिटल मीटर हमारा, और इसके ऊपर मैं रख देता हूँ ग्लास। तो अभी इसने ग्लास का वेट कर लिया है, 340 ग्राम्स दिखा रहा है, इसे केजी में कर रखा है मैंने, तो 340 ग्राम्स ये ग्लास का वेट दिखा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यही बटन दबाऊँगा टेयर वाला हमारा। तो मैंने टेयर बटन दबाया तो आपने देखा इसने जो है 0-0 कर दिया, यानी कि ग्लास का जो वेट था उसे माइनस कर दिया है, अभी 0 कर दिया है। अब जो भी मैं इसके अंदर चीज़ डालूँगा तो उसका वेट मुझे दिखाएगा। तो मैं इसमें जूस पोर करता हूँ थोड़ा, तो आप देख सकते हैं वेट बढ़ रहा है। तो अब ये दिखा रहा है जो मैंने इसमें जूस डाला उसका वेट दिखा रहा है 121 ग्राम। तो टेयर फंक्शन इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारा काम करता है। तो इस तरह से हम अपने जो बाउल है उनका जो भी वेट है उसको माइनस करके, और हमारा जो भी इंग्रेडिएंट है, जो भी हमारा सामान है, उसका वेट आराम से हम कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में भी हो, सॉलिड फ्रूट हो, या कोई भी सॉलिड चीज़ हो, किसी का भी हम वेट आराम से कर सकते हैं हमारा जो यूटेंसिल है उसका वेट को माइनस करके टेयर फंक्शन के थ्रू। इसके साथ ही मैं हटा के इसको ML वगैरह हम चेक कर लेते हैं जो इसके होते हैं। इसको मैं हटाऊं तो ठीक है, अभी ये 0 हो चुका है, कुछ भी नहीं है इस पर। अब मैं इसको यूनिट को चेंज कर देता हूँ, LBOZ, और ये कर दिया है मैंने ML के अंदर। तो ML में अब मैं इस ग्लास को रखता हूँ, तो अभी ये टोटल ML दिखा रहा है हमारा 462। अब ये पूरा ग्लास के साथ दिखा रहा है अभी, क्योंकि इसमें जूस भी है और ग्लास भी है, तो टोटल ग्लास के वेट के साथ में इतना दिखा रहा है मैं, वरना इन एक्चुअल ये 121 ML था, 121 ग्राम था, तो 121 ग्राम मीन्स 121 ML ही मान लिए, तो उतना इसका जूस का वेट था। और किसी भी यूनिट में हम टेयर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अब मैं दबाऊँगा इस पर अभी टेयर बटन को, तो इसने टेयर ऑफ कर दिया, 0 कर दिया इसका वेट। अब इसमें मैं ज़्यादा और जूस डालता हूँ, थोड़ा सा मैं डालता हूँ अगर ज़रा सा भी, देखते हैं थोड़े से वो भी डिटेक्ट करता है नहीं करता है।
तो ज़रा सा जूस डाला मैंने बिल्कुल, और आपने देखा है इसने डिटेक्ट कर लिया 13 ml इसमें जूस इसने डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि ज़रा इसे मैंने डाला तो अराउंड 30 ml तक गिरा होगा इसमें, तो उसने क्वांटिटी ये डिटेक्ट कर ली, 13 or 14 ml दिखा रहा है। तो इस तरह से 0.1 ml का हो सकता है, अप एंड डाउन का भी हो जाए, इस पर एक ड्रॉप भी गिर गई है। तो इस तरह से हमारा टेयर फंक्शन इसका बहुत ही अच्छे से काम करता है, और बहुत ही अच्छी ओवरऑल इसमें हमें फंक्शनैलिटी ये मिल जाती है सारी चीज़ों की, आराम से हमें देखने के लिए, लिक्विड हो सॉलिड हो, वेट करना हो ग्राम में, केजी में या एमएल में करना हो, उसी में सब चीज़ हमें इसमें मिल जाती है। सो दोस्तों, ये था ओवरऑल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू हमारे इस वेइंग स्केल का बल्फिस की तरफ से। तो यार मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वेइंग स्केल काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, जैसे कि आपने देखा, मतलब इवन 1 ग्राम तक, जहाँ हमने जूस ज़रा सा लास्ट में पोर किया था तो 1 ग्राम भी इसने आराम से डिटेक्ट कर लिया था। तो इसके जो सेंसर्स हैं, इसकी जो पैडिंग्स में लगे हुए हैं सेंसर्स, जिनसे पूरा वेट करता है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है इसमें जो सेंसर्स मिलते हैं हमें। और बाकी इसमें जो टेयर वगैरह फंक्शन वगैरह है, बाकी काफ़ी सारे इसमें यूनिट्स भी दे रखे हैं कन्वर्जन के लिए, तो ओवरऑल मुझे फीचर्स काफ़ी अच्छे लगे इसके प्राइस बजट को देखते हुए, जिस प्राइस में ये हमें करंटली मिलता है। तो गाइस, आप लोग भी अगर इसे परचेस करना चाहते हैं तो उसका बाइंग लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसे बाय कर सकते हैं अमेजन वेबसाइट पे से। और इसके अलावा भी अगर आप लोएस्ट प्राइस के ऊपर मोबाइल एसेसरीज वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे टेक टू बूम स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ जल्दी अपनी एक और नई वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट को लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप शॉपिंग विद अस।